हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरती की रसोई में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का झोर। तो ये आप लोग कौन कौन बनाकर खाए हैं ऐसा रेसिपी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा किलो टमाटर ले ली हूँ और इसको पेस्ट बना रही हूँ। बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदराड़ा पे बनाना है। तो देखिए मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया था और अब मैं चलिए मैं कढ़ाई गर्म करती हूँ और आगे का प्रोसेस शुरू करते हूँ। तो मैं अभी इसमें तेल नहीं डालूँगी। ये है तीसी, हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, अलसी इसको बोला जाता है। तो जो भी आप लोग बोलते होंगे तीसी या अलसी, उसको ले लेना, दो चम्मच ले लेना है और उसको बिना ऑयल को इसे फ्राई कर लेना है। ये जब फ्राई होगा तो ये जैसे पॉपकॉर्न उड़ता है ना, फटफट ऐसे उड़ेगा, देखिए होने लगा ना। तो ये फ्राई हो गया, इसका मतलब कि अब इसको निकाल लीजिए। और उसी कढ़ाई में यहाँ पर सरसों ऑयल डाल दी हूँ और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद फ़ौरन में सरसों येल्लो वाला और लहसुन 3-4 कली और लाल मिर्च को डाल दीजिएगा और अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल मछली वाली जो ग्रेवी होती है वैसा आता है। और ये टमाटर का पेस्ट जो बना कर मैं रखी थी वो मैं डाल दी हूँ और जार को थोड़ा धोकर और पानी डाल दी हूँ। और इसको इसमें थोड़ा जितना आप टमाटर ले रहे हैं उसके मुताबिक, आप स्वाद के मुताबिक आप नमक डाल दीजिएगा और इसको ढककर 5 मिनट तक पकने दीजिएगा। वैसे भी ये पेस्ट बना हुआ है तो जल्दी ही पक जाता है। आप पेस्ट नहीं बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन जो टमाटर का छिलका होता है ना वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। पेस्ट बना देने से अच्छा हो जाता है क्योंकि ये चावल के साथ ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पर अलसी या तीसी जो बोलते हैं आप लोग, उसको मैं जो फ्राई की थी उसको पीस ली, कूट ली हूँ। आप लोग पीस भी सकते हैं, मैं यहाँ पर कूटी थी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पका है कि नहीं। देखिए ये पक गया था, फिर भी अभी मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि अभी पूरा पका नहीं है। ये इसको अच्छे से पका लीजिए, नहीं तो फिर ये ना टमाटर टमाटर जैसा मतलब अलग ही टेस्ट आता है। इसमें मैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च डाली हूँ और यहाँ पर इसमें जाएगा सरसों पेस्ट। अगर आपके पास सरसों पेस्ट होगा तो वही डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं पाउडर जो था रेडीमेड मैं वो डाल दी थी। तो 1 चम्मच यहाँ पर सरसों पाउडर मैं डाली हूँ। आप अपने जितना आपका टमाटर होगा उसके मुताबिक डालिएगा। मेरा आधा किलो टमाटर था और इसमें मैं आधा गिलास पानी डालकर वापस मैं इसको 5 मिनट तक पकने दी थी क्योंकि सरसों पेस्ट डाली पाउडर डाली थी, फिर उसका कच्चा कच्चा का स्वाद आता तो इसको पकना ज़रूरी था। तो आधा गिलास पानी डालकर वापस इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। अब ये देखिए अच्छा हो गया है और इसका ग्रेवी ना पतला ही रहता है क्योंकि चावल के साथ खाने में ना गर्मी के दिन में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ सिंपल चोखा आलू का बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो ऐसे भी मन करता है थोड़ा सा खट्टा खट्टा खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं जो अलसी का पाउडर बना के रखी थी तीसी का, वो लास्ट में डालिएगा, सबसे लास्ट में उसको डालना है। और बस मिक्स करके और गैस को बंद कर देना है क्योंकि ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, गिल्टी न गुलटी गुलटी जैसा ना हो। और ये देखिए तो बनकर तैयार हो गया है टमाटर का झोर। और ये रेसिपी मैं अपने सासू माँ से सीखी थी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं लास्ट आज बना ही दी थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरा झोर बनकर तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा है। तो मेरे वीडियो में वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। तो चलिए अब आगे दूसरा रेसिपी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ।